चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं लगातार वीडियोस आ रही है और ये आपके लिए आपके चैप्टर्स की आखिरी चैप्टर की वीडियो है जिसमें हम देखेंगे गिव रीजन, देखेंगे इस चैप्टर का आप किस तरह से इस गिव रीजन को लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है दोस्तों वो क्या है, रुको, ए भाई हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या दिया हुआ, अ डेंस नेटवर्क रेलवे हैज डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्या कहा गया है कि एक नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, क्या देखो यहाँ पे, ये देखो यानी ये वाले रीजन में आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में एक डेंस यानी रेलवे नेटवर्क बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। क्यों हो गया, यही तो जवाब देना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले लो लाइंग एरिया। अब लो लाइंग याद रखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर और फिर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, फिर नीड भी क्या ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन, क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन, ये रात ध्यान रखना। फिर यहां पे हिली रीजन नहीं है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन, हाँ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन, फिर उसके बाद यहां पे हिली रीजन नहीं है। और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो देखो मैंने ऊपर की तरफ क्या, तो जब भी मैं ऊपर की तरफ इशारा करूं तो ऊपर की तरफ मतलब ज्यादा है। तो सबसे पहले द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन, देर आर नो हिली रेंज, फिर उसके बाद द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज क्वाइट हाई। ये आपका बन गया कितना पॉइंट, ये बन गया आपका दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि द एग्रीकल्चर ट्रेड, देखो याद रखो एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर को ट्रेड करोगे यानी बेचने जाओगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉमर्स हुआ और कॉमर्स फिर इंडस्ट्री, समझ में आ गया, कॉमर्स की एक इंडस्ट्री। तो याद रखना है द एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड, आर वेल डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेस। ये आपका हो गया कितना पॉइंट हो गया पाठक जी, थर्ड पॉइंट हो गया, कितना पॉइंट, थ्री पॉइंट हो गया। अब साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट जरूरी क्यों है, ट्रांसपोर्ट आपको क्यों जरूरी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और साथ ही साथ, और पाठक जी किसके लिए जरूरी है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जाने के लिए और साथ ही साथ आप अकेले जाओगे क्या, अगर आपकी बिजनेस होगा तो आपको गुड्स और सर्विसेज भी तो पहुंचानी होगी उसके लिए भी। तो यहाँ पे द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स एज वेल एज द नीड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज वेरी हाई इन दिस रीजन, देयरफॉर अ डेंस नेटवर्क ऑफ द रेलवे हैज डेवलप्ड, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन, फिर उसके बाद कोई हिली रीजन नहीं है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या ज्यादा है, फिर एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स क्या और इंडस्ट्रीज ये क्या बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, फिर उसके बाद द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज वेरी हाई इन दिस रीजन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या, सेकेंड क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस, क्या जो डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ज्यादा है कंट्री के प्रोग्रेस में। तो चलो यहां पे देखिए क्या है, वन प्लेस टू अनदर फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहां पे देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को कहां से एक जगह से दूसरी जगह, देखो वन प्लेस टू अनदर, याद रखो वन प्लेस टू अनदर क्या करोगे, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचाने में क्या हेल्प करता है, ठीक है। इससे क्या हो गया, मोबिलिटी क्या इंक्रीज हो गई है, इतनी चीजें क्लियर। अब फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फैसिलिट करता है क्या क्या, जो ग्रोथ एग्रीकल्चर का वो माइनिंग, फिशिंग, टूरिज्म, बैंकिंग, इतनी चीजें ध्यान रखना। फिर एम्प्लॉयमेंट, अब ट्रांसपोर्ट है तो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी क्या जनरेट होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिट्स इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, फोर्थ आ जाएगा इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, वन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन पर्सन वन प्लेस टू अनदर, इट इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ द पीपल, फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, बैंकिंग एसेट्रा। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटेट्स द इंटरनल एज वेल एज द इंटरनेशनल ट्रेड विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स क्या, इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, खत्म। अब लास्ट में आपका थर्ड सॉरी सेकंड लास्ट एक और है, द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया, क्यों, वैरायटी है, विजिट है, इकोनॉमी ज्यादा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब हम वैरायटी क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज, रिवर्स, घाट्स, फ्लोरा, फोना पाया जाता है, तो ये पहला याद रखना। फिर विजिट, तो अब नेचुरल डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या करते हैं, जो बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से, देखो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द नेचुरल डाइवर्सिटी मेनी टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज मेनी फॉरेन टूरिस्ट विजिट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, ड्यू टू टूरिज्म, टूरिज्म की वजह से क्या होता है, मेनी अदर सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज इन एन इकोनॉमी, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है। अब आगे क्या है, ब्राजील टाइम जोन इन बिहाइंड इंडिया टाइम, क्या ब्राजील का जो टाइम जोन है वो क्या है, इंडिया के टाइम जोन से क्या बाहर है, समझ में आ गया क्यों। अब जो इंडिया है
क्या इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? हमारी यहाँ ईस्ट साइड में लोकेटेड, यानी ईस्ट साइड में लोकेटेड। मैं बताता हूँ, देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, आपको पता ही है, ये नॉर्थ है, ये क्या साउथ है, सही बात है। यहाँ पे इधर से आपका क्या जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन जाएगा बीच में से, हमारी कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है। तो हम जब भी जानते, जब ईस्ट में जाते तो टाइम होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और जब वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होता है, माइनस, यानी पीछे चलता रहता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, अब ईस्ट में इंडिया में क्या, इंडिया लोकेटेड है कहाँ पे, आपके ईस्ट साइड में, तो टाइम क्या होगा, आगे होगा। इतनी चीज समझी? अब जीएमटी पे कितने, जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना, 5.5 घंटे। तो याद रखना है, इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे, ईस्ट में लोकेटेड है, समझा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे, कितने घंटे आ गए दोस्तों, तो यहां से अगर मैं काउंट करूं तो यहां तक कितना, 5.5 घंटे का फर्क आता है, कितना, 5 hours 30 minutes का क्या फर्क आता है। इतनी चीजें। अब ब्राजील कहां पे लोकेटेड है, वेस्ट में, कहां के आपके इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन ये, तो ये वेस्ट डायरेक्शन, तो यहां पे आपका ब्राजील लोकेटेड है। कितने घंटे पीछे, तो 3 hours पीछे, कितने आवर्स पीछे, 3 घंटे पीछे। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं 5:30 + 3 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है आपका, 8.5 घंटा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ब्राजील का टाइम जोन है वो 8:30 क्या पीछे आपके इंडिया से। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो याद रखना कि इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। जीएमटी से कितना फर्क आता है, 5.5 घंटे का फर्क आता है, तो ये आपको लिखना है। फिर ब्राजील कहाँ पे, वेस्ट में लोकेटेड, किसके, इंटरनेशनल डेट लाइन के। तो जीएमटी से कितना डिफरेंस आता है, 3 घंटे का डिफरेंस आता है, 3 घंटे और 5.5 घंटे हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 घंटे। तो इस वजह से क्या, इंडिया से क्या है, ब्राजील टाइम में पीछे। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई, और यहाँ पे हमने क्या पूरा जो टॉपिक था, पूरा जो चैप्टर था, वो कंप्लीट कर लिया। तो अगर वीडियो और पसंद आई होगी तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब, और प्यार से कमेंट करिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो एक फोटो लेकर भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, ठीक है, और अच्छा वाला गाना लगा देना। तो चलो अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच की, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके ज्योग्राफी के पेपर के लिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।